ஸ்ரீமத் பரம கம்பீர சத்வாதாமோகலாஞ்சனம் ஜீயாத்ரைலோக்யநாதஸ்ய சாஸனம் ஜினசாஸனம். ஜோ சோபா சம்பன்ன ஹை, துராக்ர ஆதி ஸே ரஹித் ஹோனே கே காரண், சத்ய கா நிஷ்பக்ஷ ப்ரரூபக் ஹோனே கே காரண், ஜோ சோபாஸ்பத் ஹை, शोभा का स्थान शोभास्पद श्रीमत, और कैसा है, परम गंभीर है, परम गंभीर, अत्यंत गंभीर है। और स्यादवाद ही जिसका अमोघ लांछन चिन्ह लक्षण अर्थात पहचान है, तो त्रैलोक्यनाथस्य जिनवरस्य जिनेन्द्रदेवस्य तीर्थकरस्य शासनम, ऐसा उनका शासन है अर्थात उनका उपदेश है, जिसको जिन शासनम, जिन शासन कहते हैं, जियात उसकी जय हो, जिन शासन जयवंत हूँ। जय शब्द के अर्थ पर ध्यान देना, एक तो क्या रूढ़ी है, सभी लोग जय बोलते हैं, कभी भी किसी की भी जय बोलते हैं, पर जय में एक अभिप्राय है, जी धातु से जय विजय इस अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जिन शासन जयवंत हो, इसका अर्थ यह होगा कि वह विजयी हो। किस पर विजयी हो? जिन पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है उन पर विजयी हो। बाकी लड़ाई झगड़ा करके कोई भी किसी को जीत सकता है अगर थोड़ा बलवान और पुण्यवान हो तो, लेकिन जिस पर अपन विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे क्रोधादि कषाय हैं, रागादि विकार हैं और दुख आदि विभाव हैं, इन पर अपन विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपन जिन शासन से प्रार्थना करते हैं, जिन शासनम जियात, वो विजय प्राप्त करें। किन पर प्राप्त करें ये कभी भी अपन बोलते नहीं वहाँ पर जय बोलते समय, क्योंकि वो बात अंदर हृदय में छुपी होती है। और क्या होता है कि पूर्व काल में जो स्वाध्यायी जन थे वो जानते थे क्या जय हो का मतलब, किस पर जय हो, जिनेन्द्र भगवान की जय हो। अब जिनेन्द्र भगवान की जय हो मतलब जिनेन्द्र भगवान विजयी हो। अब जिनेन्द्र भगवान तो ऑलरेडी विजयी है, उनको जिन पर विजय प्राप्त करनी थी उन पर तो वो विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए तो उनका नाम जिन है। जिन शब्द का अर्थ विजेता, तो फिर अब अपन बोल रहे हैं कि उनकी जय हो अर्थात वो विजयी हो, तो अब किन पर विजयी हो? तो मैं जिनको नहीं जीत पा रहा हूं उनको वो जीत ले, ये अर्थ होता है उसका। यानी मैं तो अपने विकारों को, अपने दोषों को जीत नहीं पाया, तो फिर मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, वो मेरे दोषों को जीत ले, और वो जीत लेंगे, वो तो विजेता है ही, उनको तो अभ्यास है जीतने का, तो वो अगर मेरे दोषों को जीत लेंगे तो मैं उनके निकट पहुँच जाऊँगा, उन जैसा हो जाऊँगा। तो ये एक भक्ति है। और मंगलाचरण में नमः, जय, अथ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मंगलाचरण में जैसे अब जयकार जो शब्द हैं, वो जयकार जो है वो वंदना से और भक्ति से छोटा है, क्योंकि जयकार में एक प्रकार का भाव मात्र है। जैसे घुम्मटसार ग्रंथ की समाप्ति में आचार्य नेमीचंद्र सा
सिद्धांत चक्रवर्ती ने, चामुंड राय की जय बोली है गाथाओं में, उन्होंने चामुंड राय का जयकारा लगाया है। अब यहाँ के आज के जो अनजान लोग हैं जिनको आगम का रहस्य पता नहीं है, उनको तो लगेगा कि अरे ये कैसे आचार्य, इन्होंने एक राजा की जय बोल दी इतने बड़े आचार्य होकर के। आचार्य अगर राजा की जय बोले तो फिर वो आचार्य नहीं हो सकते। ऐसे सब छोटी बुद्धि वालों के निर्णय होते हैं जो उन आचार्यों के ज्ञान को नहीं पहचानते, वो सोचते हैं कि वो गलती कर रहे हैं। अब थोड़ा सा शांत मन से विचार करें, थोड़े विवेक के साथ सोचें कि वो कितने बड़े विद्वान थे, तो पता चलेगा कि आज तक 1000 साल हो गए उनके ग्रंथों का अनुवाद ही नहीं हो सका। उनके ग्रंथों में जितना गणित है अभी तक उसका कोई अनुवाद नहीं कर सका। पंडित टोडरमल जी ने कोशिश की, केशवर्णी ने उसका विस्तार किया, फिर टीकाकार जो थे संस्कृत टीकाकार उन्होंने भी जो कुछ भी करना था वो किया, फिर पंडित कैलाश चंद जी ने भी उसका अनुवाद किया, लेकिन पूर्णतः उसका अनुवाद नहीं हो सका। इतना गहरा उसका विषय है गणित का, और लब्धिसार क्षपणासार में जो उन्होंने गणित का वर्णन किया है उस गणित की बराबरी का तो कोई गणित इस समय इस भारत क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन हुए थे जो आज तो नहीं है, लेकिन उनने उस पर काफ़ी काम किया और उनने कहा कि वैदिक गणित बहुत ऊंचा गणित है पर उससे कुछ आगे का गणित श्वेतांबरों के पास अंगों में उपलब्ध होता है, और उससे गहरा गणित दिगंबरों के पास लब्धिसार में जो वर्णन आता है वो पूर्वों का गणित है, ऐसा वो कहते थे। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती, अनंत अनंत गुणी, तो उससे जो कार्य होते हैं, क्षयोपशम लब्धि होती है, विशुद्धि लब्धि होती है, देशना लब्धि होती है, प्रायोग्य लब्धि होती है, और इन चार लब्धियों के बाद एक करण लब्धि होती है, और वो करण लब्धि जो है वो ऐसी लब्धि है कि जो केवल भव्य जीवों को हो सकती है। चार तो चत्तारि विसामण्णा, चार जो है भव्य अभव्य दोनों में समान है, दोनों में हो जाती है, लेकिन करण लब्धि जो है वो भव्य जीवों में होती है, और उसके करणे पण हुई सम्मतम, करण अगर लब्धि हो गई तो सम्यक तो होके रहेगा, फिर आप आधे पुद्गल परिवर्तन काल से अधिक संसार में रह ही नहीं सकते अगर छूट भी गया तो। ना छूटा तो फिर तो 8 भवों में हो जाएगा बेड़ा पार, लेकिन अगर छूट गया तो अधिकतम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है संसार का, ऐसा महत्व उसमें बताया, और उसका पूरा गणित दिया है लब्धिसार में। क्षपणासार में उसका क्षय करने का जो क्रम है उसका गणित वर्णन किया है। तो ऐसे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी राजा चामुंड राय जो सेनापति भी थे और खुद राजा भी थे उनका जयकारा लगाया है। तो फिर जयकारे में और फिर ये जो वंदना होती है उसमें अंतर होगा। मूलाचार की 384वीं गाथा में, 383वीं गाथा में, 384वीं गाथा में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है कि साधु गृहस्थों की विनय करे, आरिकाओं की विनय करे, अलग अलग प्रकार किन किन की विनय करे उनका पूरा वर्णन किया है, जो अपने से एक रात छोटे हैं दीक्षा में, आज अपनी दीक्षा हुई कल उनकी होने वाली है और फिर हो गई मान लो, उनकी भी विनय करे, और जो अपने से एक रात बड़े हैं अपनी दीक्षा आज हुई उनकी कल हो चुकी थी उनकी विनय करे, और सबकी यथा योग्य विनय करे, ऐसा उस गाथा में लिखा है। तो फिर आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने राजा चामुंड राय का जयकारा जो लगाया वो एक प्रकार की विनय है, तो क्या गलत किया उन्होंने, मूलाचार के अनुसार ही तो काम किया उन्होंने। फिर आप कहो कि नहीं जयकारा तो परमेश्वरियों का ही लग सकता है और किसी का नहीं लग सकता, और वो जो लगाता है सो मिथ्या दृष्टि, ये सब ज़्यादा उतावली की बातें हैं। मूलाचार की 594वीं गाथा में
आचार्य महाराज ने लौकिक विनय का वर्णन किया, 583 भी गाथा में, 594 भी गाथा में उन्होंने कहा कि साधु किन किन की वंदना न करे। अब देखिए वहां पर किन किन की विनय करे वो पहले बता दिया, और अब बता रहे हैं कि किन किन की वंदना ना करे। तो इससे स्पष्ट है कि विनय और वंदना अलग अलग वस्तु है। तो वंदना किन की ना करे, तो फिर बोलते हैं कि देवों की ना करे, असंयमी की ना करे, देशव्रति की ना करे, और किन की ना करे, बोले अन्य तीर्थम वा अन्य मति साधु की ना करे वंदना, और किसकी ना करे, मादा पितु माता पिता की ना करे, और किन की ना करे, गुरु जो गुरु गुरु पद से गिर गए हैं उनकी वंदना ना करे। तो इतनी सारी बातें वहां पर उन्होंने निर्दिष्ट की, तो दोनों गाथाओं को साथ में पढ़कर उसका तालमेल लगाकर समझ में आ जाती बात की ऐसा ऐसा है। तो फिर ये जो बात थी मंगलाचरण की, मंगलाचरण में जयकार की भी बात आती है, नमस्कार की भी बात आती है, और अथ अथ भी मंगलाचरण होता है। अथ मतलब कि अब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, बस इतनी भावना कर ली तो मंगलाचरण हो गया। इसलिए कसाय पाहुड़ ग्रंथ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण नहीं है, अथ बस शुरू हो गया ग्रंथ मंगलाचरण। पर फिर भी भक्ति करेंगे, यानी जो विधि बताई है, मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा थी, चत्तारी पड़िक कमणे किदियम्मा होंति तिण सज्जाई पुवण्णे अवरण्य किदी अम्मा चौदसा होंती। यानी स्वाध्याय में तीन कायोत्सर्ग किए जाते हैं, शुरू में दो अंत में एक, और शुरू के दो कायोत्सर्गों के साथ श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति की जाती है, अंत के कायोत्सर्ग में फिर श्रुत भक्ति करते हैं, जिनवाणी माता की स्तुति, और फिर स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो स्यात् पद का विवेचन चल रहा था कि यह जिन शासन जिनेन्द्र भगवान का शासन स्यादवाद रूपी अमोघ चिन्ह से चिन्हित है, अर्थात वो उसकी खास निशानी है जैनागम की, यह स्यादवादमयी होगी जिनवाणी, एकांतवादी बातें नहीं रहती यहाँ, स्यादवाद की बात होती है। तो वह हमारे लिए जियात जयवंत हो, हमारे विकारों को जीते, हमारे अज्ञान को जीते, क्योंकि अब जिनवाणी से बोल रहे हैं अपन कि उनकी जय हो, तो उनकी किस पर जय हो, हमारे अज्ञान को जीतेगी जिनवाणी माता, और अज्ञान दूर होगा तो फिर विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो फिर असंयम भी दूर होगा। तो असंयम दूर होने से राग द्वेष पर भी विजय प्राप्त होगी, तो ऐसा क्रम होता है। तो ये जयकारे का महत्व है, जयकार अपन लगाते हैं, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, ऐसा भी बोलते हैं ना कई स्थानों पर। तो वहाँ पर गुरुदेव से अपन ये भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी जय हो, अर्थात आप अपने विकारों को और अपने सब कर्मों को तो जीत रही हैं, लेकिन आप कुछ हमारे भी दोषों को जीतो। तब फिर गुरु महाराज उनको मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, शुद्धिकरण देते हैं, तो फिर वो उसमें गुरु का सहयोग होने के कारण भक्त जो होते हैं वो उसका श्रेय गुरु को देते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ तो भक्त को भी करना पड़ता है, शिष्य को भी करना पड़ता है, लेकिन विनय में वो कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैंने अपने पुरुषार्थ से सब विकारों को जीता है। अब यही विकार हो गया, समझ में आया, मैंने अपने पुरुषार्थ से जीता, यही तो विकार है। कौन सा विकार है? अभिमान। तो इसलिए
जयकार का ये मतलब हुआ। और इस श्लोक में अर्हत भक्ति के अंदर स्याद्वाद चिन्ह से चिन्हित जिनवाणी माता का जयकारा है कि जिनवाणी माँ की जय हो, वो हमारे विकारों पर विजय प्राप्त करे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।